नमस्कार दोस्तों, द प्रवीण मनी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे टारगेट विद आलोक की। पिछले वीडियो में भी टारगेट विद आलोक की चर्चा किए हुए थे, लेकिन उस वीडियो में हमारा मुख्य केंद्र यह था कि भूगोल के लिए सबसे बेस्ट चैनल कौन है। तो इसलिए मैं टारगेट विद आलोक का बात किया था कि भूगोल के लिए, हमारी समझ से भूगोल के लिए सबसे बेस्ट चैनल है टारगेट विद आलोक, तो उसके बारे में वह वीडियो था। लेकिन आज के वीडियोज में हम टारगेट विद आलोक के कुछ आंतरिक परिप्रेक्ष्य में घुसेंगे और हम यह चर्चा करेंगे कि टारगेट विद आलोक का बैकग्राउंड क्या था, इस समय वह कितना कमाते हैं और पहले मतलब क्या था। तो देखिए, मैं टारगेट विद आलोक को मैं काफ़ी दिन से जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। मैं तब से उनको जानता हूँ जब उनका कोई औकात नहीं था। मैं तब से उनको जानता हूँ, मैं साफ साफ बोलूँगा कि जब उनका कोई भी औकात नहीं था, मैं तब से उनको जानता हूँ। देखिए दोस्तों, 2016 में टारगेट विद आलोक आए हुए थे यूट्यूब पर, और तब उसमें जियो की क्रांति भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो आए हुए थे और जब 4,000-5,000 सब्सक्राइबर थे, तो मैं उनका भूगोल का कोई एक वीडियो देखा, तभी मुझे अच्छा लगा कि हाँ, यह व्यक्ति उस समय भी वर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है। हालाँकि उसके बाद भी उनके बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं। देखिए कुछ लोग, देखिए आगे बढ़ने के दो रास्ते होते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसके दो रास्ते होते हैं। अगर मान लीजिए दो प्रतियोगी एक साथ रेस लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आगे निकलने के दो रास्ते होते हैं। या तो आप अपने प्रतियोगी जो प्रतिभाग कर रहा है अपने आपके साथ में, जो आपका प्रतिद्वंदी है, उससे ज़्यादा तेज रेस आप लगाकर रेस जीत जाइए, या तो उसे गिराने का प्रयत्न करिए। दो ही ऐसे रास्ता है जिसकी वजह से आप जीत सकते हैं। या तो आप स्वयं बहुत तेज दौड़िए, या तो फिर अपने प्रतिद्वंदी को आप गिराने की कोशिश करिए। तो यही स्थिति रहा टारगेट विद आलोक का, जब वह आगे बढ़ रहे थे, जब वह तेजी से ग्रो कर रहे थे, जब उनके फॉलोअर्स आगे बढ़ते जा रहे थे, फॉलोअर्स की संख्या ज़्यादा बढ़ जा रही थी। तो कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं यूट्यूब के फील्ड में, उस समय एजुकेशन फील्ड में कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं, हालांकि अब वह उनका मुंह बंद हो गया है। देखिए, विरोध करने का एक हद होता है, जब वह विरोध आदमी चरम सीमा पर कर लेता है तो थक हार कर विरोध करना भी बंद कर देता है। तो उस समय एक चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तब वह विरोध कर रहे थे, लगातार वीडियो अपलोड कर रहे थे कि टारगेट विद आलोक ऐसा है, टारगेट विद आलोक ने लोगों से डोनेशन मांगा है, और वह उनके जो चैनल हैं, पेड़ हैं, ये हैं, वो हैं, इस तरह की बातें की जा रही है। देखिए, इंसान अपने बारे में सोचता है, कोई इंसान अगर आपको कोई गलत कर रहा है तो भाई उसके व्यूअर हैं, वह उसको जज करेंगे, आपको क्या दिक्कत है कंट्रोवर्सी करने की। तो यह स्थिति बात हुई थी, क्योंकि टारगेट विद आलोक एक बार अपने वीडियोज में ही यह बात बोल दिए थे कि अगर कोई डोनेशन देना चाहता है तो मुझे डोनेशन दे सकता है, मुझे कैमरा लेना है, ये लेना है, वो लेना है, मतलब कि कुछ अपनी मजबूरी बताकर उन्होंने डोनेशन की मांग की थी। तो अब उसी को मुद्दा में लेकर कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो इस बात की चर्चा कर रहे थे कि क्या होगा, और टारगेट विद आलोक अब लोगों से डोनेशन मांग रहे हैं, तो इस बात को बहुत ज़्यादा उछाला गया तब। और अब तो मतलब कि उछालते वह भी लोग थक गए, तो अब इस बात को बंद कर दिए हैं। हालांकि आज के डेट में, जब मैं 4,000-5,000 सब्सक्राइबर उनके आलोक के थे, मैं तब से उनको जानता हूँ, और आज के डेट में 16-17 लाख सब्सक्राइबर हैं, और तब वो भूगोल पढ़ाते थे, फेस टू फेस आकर कैमरे के सामने, व्हाइट बोर्ड के सामने पढ़ाते थे, लिखते थे, मिटाते थे, तब की बात अलग थी, तब वो इतने व्यावसायिक नहीं थे, अब वो बहुत ज़्यादा व्यावसायिक हो गए हैं। और शुरू में लोगों ने इनका मतलब बहुत सारा मतलब उनका शिकायत किया, और मतलब उनका मजाक उड़ाया, शिकायत किया, और मतलब कि यह कमी निकाली कि इस तरह से जो रिश्वतखोर होते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे लेकर पढ़ाते हैं, पैसा जो कहते हैं, दावा करते हैं, क्योंकि आलोक की भी इस बात की गलती थी, वह दावा किया करते थे कि मैं कोई भी फीस नहीं लूँगा, और बार बार कोचिंग संस्थानों की वह शिकायत किया करते थे। शुरू में वह कोचिंग संस्थानों की शिकायत करते थे, और बाद में वही कोचिंग संस्थान खोल कर बैठ गए। तो यह स्थिति थी। तो अब फिलहाल आलोक इस समय इनकम टैक्स ऑफिसर में उनकी नियुक्ति हुई है, लेकिन फिलहाल यह भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने उस पद से शायद इस्तीफा दे दिया है, या फिर अवकाश ले लिया है, यह सब बातें हैं। अब फिलहाल वह अच्छा खासा कमाते हैं, आप समझ सकते हैं, जब 16.5 लाख सब्सक्राइबर हैं तो वह एडसन से तो कमाते ही कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह पेड क्लास चलाते हैं। अब आपकी जानकारी लिए बता दें, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यह सारी पेड क्लास उनकी चलती है, और हर पेड क्लास जो होती है 1500-1600-2000 करीब उसकी फीस होती है, और हर कोर्स में कम से कम 2000-2500 लोग एडमिशन लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टारगेट विद आलोक की कमाई कितनी
कितनी है, करोड़ में जा सकती है, कितनी करोड़ है, अब आप यह समझिए। तो खैर यह अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे हैं। अगर कोई भी देखिए, अगर देखा जाए कोई भी इंसान अगर यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, अगर वह ऑनलाइन तैयारी कर रहा है, 2000 किसी को पे कर दे रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। क्योंकि अगर वह मुंबई, अगर वह कानपुर रहेगा, प्रयागराज रहेगा, इलाहाबाद रहेगा, कानपुर रहेगा, प्रयागराज रहेगा, लखनऊ आदि रहेगा, कहीं भी किसी भी छोटे या शहर बड़े शहर में रहेगा, तो अगर वह विशेष तैयारी के लिए 6 महीना भी अगर वह यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल की तैयारी के लिए अगर कहीं भी बाहर रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि 50,000 मिनिमम उसके खर्च हो जाएंगे। लेकिन अगर उसे घर बैठे अगर अच्छे से अच्छे एजुकेटर उसे सिर्फ 1,500-2,000 में पढ़ा रहे हैं, तो यह अच्छी बात है। आप स्मार्टफोन्स के सहारे आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा है इसमें दिक्कत है। लेकिन फिलहाल यह संख्या बहुत ज़्यादा लोगों की है, 2,000-2,500 हर कोर्स में लोग जुड़ते हैं और 2,000-2,500 इसकी फीस भी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि आज के डेट में और टारगेट विद आलोक कहाँ हैं। और आज आलोक एक बहुत बड़ा, मत समझिए कि इसमें अच्छी खासी कमाई है आलोक की। और इस समय उनका, उन्होंने अपना घर भी बनवाया था और आप लोग देख सकते हैं उनका घर है ये, और वह जो घर है वह व्हाइट हाउस की तरह उन्होंने घर बनवाया हुआ है। और बहुत ही बड़ा संस्थान और प्रयागराज में उन्होंने खोला हुआ है, जिसमें कम से कम 50 लोग वर्क करते हैं। तो यह अच्छी बात है, कोई भी व्यक्ति अगर शून्य से शिखर तक पहुंचता है तो यह अच्छी बात है। लेकिन मैं साफ साफ बता दूं, इसमें उस समय बहुत सोनू यादव करके थे और वह बार बार वीडियो डाला करते थे। तो भाई वीडियो अगर हम अगर यूट्यूबर हैं और दूसरा कोई यूट्यूबर है, अब उसकी शिकायत करके अगर कोई वीडियोज आप अपलोड करेंगे, तो एक बार, दो बार, तीन बार देखेगा कोई, और देखेगा व्यू भी बढ़ेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में आएगा कि यह इंसान अपने तो कुछ करता नहीं, लेकिन लोगों की शिकायत कर नहीं आ जाता है। तो यह स्थिति है। हालांकि मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूं, अगर मैं शिकायत करता तो मैं साफ साफ यह नहीं कहता कि भूगोल के लिए अच्छा चैनल है टारगेट विद आलोक। मैं यह नहीं कहता कि अच्छे आपको, आप अगर आप 2,000 या 2,500 पे करके आप घर पे बैठे पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूटर से, तो क्या दिक्कत है। मैं मूल्यांकन कर रहा हूं, मूल्यांकन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर चर्चा होती है। हम किसी के प्रचारक नहीं है, किसी के सपोर्टर नहीं है, हम मूल्यांकन करते हैं, विवेचना करते हैं, समीक्षा करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोगों को।